हेलो दीपू। हाँ भैया। दो साल आ जाए, बहुत दिन हो गए। बस आ रहा हूँ आज। सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे। और मेरे साथ हैं विनय शर्मा। आगे देखते हैं, ठंड तो बहुत तेज़ है। अभी गूगल पे चेक किया, 8 डिग्री सर्दी है। 8 डिग्री का कमाल देख रहे हो आप। बैकग्राउंड दिख रहा है? बैकग्राउंड 8 डिग्री की ठंड में, भाई साहब शेखावाटी की ठंड। हम आसमान की ऊंचाइयों पे बहुत कोहरा ही कोहरा भाई, 100-200 एक्स्ट्रा ले ले नीचे भाई, लैंड करा दे भाई, बहुत कोहरा है, लैंड करा दे भाई। शाम का ठीक हुआ चीज से भाई साहब, मौसम बहुत शांत, बहुत काते। इधर कौन सी खेती हो रही है? इधर चने, इधर आगे वाले में चने, आगे वाले में चने। रामदेव जी का मंदिर है यहाँ खेतों के बीच में। दोनों तरफ का खेत, खेतों में चल रहे हैं कुंवर है, उनके कारण हो रही है धुंध। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। इधर वाले पाइप पे भी सेम चीज है। तो लग रहा है जैसे आग लगी हुई हो, लेकिन ये आग नहीं है, ये पानी के कारण है। फ्रेश पानी है जैसे कि यमन एक देश है, वहां पे एक कॉफी की स्पेशल किस्म कावा होती है। कावा हाँ, मतलब कॉफी को सकता है। तो उसके लिए जो कोहरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या कि जो 10-11 बजे तेज धूप निकलती है ना, उससे ये कोहरा उनको बचाता है। और अगर ये कोहरा ना हो तो जिस साल ये कोहरा कम होता है उस साल वहाँ वो पूरी फसल खत्म हो जाती है। अच्छा, इसलिए कोहरे का भी अपना इम्पोर्टेंस है। अब जाएंगे दूध लेने, दूध लेके फिर घर, मिलते हैं आपको वहीं। मेरे हाथ में दिखा दे। तो इतनी लंबी वॉक करके हम दूध लेके आए खेतों में जाके 8 डिग्री की ठंड में। अभी मैं और भैया जा रहे हैं बोहरा जी के समोसे खाने, जो कि लोसल में बहुत ज़्यादा फेमस है। लोसल बेसिकली 4 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला, परमानंद बाबा जी की बगीचे के कारण, जिसके कारण लोसल को परमानंद बाबा जी की नगरी कहा जाता है। दूसरा, शिक्षा के कारण। तीसरा, बोहरा जी के समोसे। और चौथा है बद्री जी के पेड़े। ये चारों चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
बाय। लोसल का सफर इतना ही था और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।